नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग अग्निहोत्री दोबारा आपके सामने उपस्थित हूं अपना नया आईपीओ वीडियो लेके। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिगो आईपीओ और इसका इंडिगो पेंट लिमिटेड है, सो शॉर्ट में आई विल से आईपीएल। सो आईपीएल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट ऑफ द क्रिकेट वाली आईपीएल ना होके ये पेंट इंडस्ट्री का आईपीएल होने वाली है और मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करूँ तो अपने डिटेल की बात करूँगा। देन मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड दिस इज द फर्स्ट डिटेल्स ऑफ द इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। 20 तारीख को खुलने वाला है, यानी आज खुल जाएगा ये। क्लोजिंग डेट 22 जनवरी को है। फेस वैल्यू इस शेयर की 10 रुपये है और जो आईपीओ प्राइस है 1488 से लेके 1490, इट मीन्स अपर बैंड इज 1490 एंड लोअर बैंड इज 1488। मार्केट लॉट 10 इक्विटी शेयर्स की है, इट मीन्स आपको 14,900 रुपीज स्पेंड करने होंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और जो इशू साइज है वो 1176 करोड़, इट मीन्स 1176 करोड़ का है, 10 रुपीज का इक्विटी शेयर है। इसमें से फ्रेश आईपीओ 300 करोड़ का है और रिमेनिंग जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल हमने पिछले आईपीओ में डिस्कस किया था कि इट इज बेसिकली द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपनी इक्विटी बेचते हैं। सो यहाँ पर देखने लायक बात होगी कि वो इन्वेस्टर्स कौन से हैं। अब इस कंपनी के बारे में मैं आगे बात करूं, उससे पहले मैं आपको अपने पहले वाले आईपीओ के बारे में ले जाना चाहूंगा, आईआरएफसी। आईआरएफसी इसी वीक में 3 आईपीओ आने के कारण आईआरएफसी के प्रति लोगों का जो इंटरेस्ट था वो नहीं दिख रहा है और पहले दिन उसमें और दूसरे दिन उतना ज़्यादा क्यूआईबी सेक्शन में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सेक्शन में उतना ज़्यादा पैसा नहीं आया है, ऑलमोस्ट जीरो है। और दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर 2.2x तक फिल हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और उसकी जो वैल्यू है वो गिर रही है। ये शायद इसलिए क्योंकि उसका लो बीटा कंपनी है और वो लोग सोच रहे हैं कि हम बाद में इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले लेंगे। तो इनिशियल जैसे किसी व्यक्ति के पास केवल एक या दो लॉट का पैसा है, वो सोच रहा है कि मैं किसी और पेंट वगैरह में लगा दूं, तो इसलिए होल्डिंग अपने पास है। टाइमिंग शायद उसकी गलत हो गई है, दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक अब उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। इट मीन्स उसकी जो लिस्टिंग है वो 26 रुपए है तो 30-32 के आसपास जाके हो जाएगी। और इवन मैं ये बताऊं आपको, 4-5 दिनों बाद अगर आप लेंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट में मिल जाए। सो दैट इज व्हाई आई विल से आईआरएफसी का आईपीओ इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच सक्सेस व्हिच यू आर गोइंग टू बी यूज रिटर्न्स एंड व्हाई बिकॉज ऑफ द टू अदर आईपीओज आर कमिंग दिस वीक। और ये जो दोनों आईपीओ हैं बेसिकली दैट इज व्हाई इट हैज बिकम द आईपीओ वीक। आई विल से the January 2021 has given you the IPO week where 3 IPOs are coming within week. First came on the Monday, it is IRFC, Indigo Paints, then Home Finance. So these three are competing with each other. Investors has the same money. That is why it is going to be there. And the IPO mein log paisa lagate hain for the purpose of initial profit booking, means listing gains ke liye. So I will compare Indigo Paints and IRFC in detail for you just at the last of my this video. But initially, today we discuss the first Indigo Paints Limited. So I have already said the basic details. A Jalan family jo hai is company ko hold karti hai. Pune based company hai jo ki 2000 mein bani thi, sun 2000 mein and इसका जो फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है रेवेन्यू टर्म्स के हिसाब से। और ये कंपनी इतनी जल्दी फिफ्थ लार्जेस्ट आ कैसे गई, क्योंकि इसने जो डेकोरेटिव पेंट के सेगमेंट की बात की। अब देखो आपको डेकोरेटिव पेंट्स क्या होते हैं, देखिए पेंट्स मशीन में यूज होते हैं, साइकिल वगैरह में यूज होते हैं, मोटरसाइकिल में, यानी इंडस्ट्री यूज भी होता है पेंट्स का। उसके अलावा घरों में जो होम डेकोर होता है दैट इज कॉल्ड डेकोरेटिव पेंट्स। अब डेकोरेटिव पेंट्स में इतनी कैटेगरी लेके आ गए कि ये इनेमल्स में लेके आ गए, इमल्शंस लेके आ गए, वुड कोटिंग, प्रीमियर्स, डिस्टेम्पर्स, पुटीज एंड सीमेंट पेंट्स। और उसके अलावा इनका सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके आए, मेटालिक इमल्शन, ब्राइट सीलिंग कोट्स इमल्शंस, टाइल कोट इमल्शंस, डेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। एंड उसके कारण क्या हुआ कि इसने मार्केट में अपना सेगमेंट तेजी से बनाना शुरू कर दिया और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कंपेरेटिवली हायर है। एंड बाकी डिटेल्स अगेन मैं बात करूंगा आपके साथ। तो मैं देखिए बेसिकली ये प्रोफेसर हूं तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकता, मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स की ही बात करूंगा।
कुछ लोग कहते हैं कि फैक्ट एंड फिगर्स नहीं, लेकिन हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होनी चाहिए। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं, कंटिन्यूसली ग्रोइंग, 26.68 का इसका ग्रो कर रही कंपनी है, 2020 में 28.62। नेटवर्क किसका कहाँ है, कहाँ से पैसा आता है, मैंने पहले ही बात की थी, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर एंड द प्रॉफिट सेंटर। तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा भाइयों इसका, इसका रेवेन्यू आता है टायर वन, टायर टू एंड मेट्रो से, एंड बेसिकली उन सिटीज में इसने अपना बहुत ज्यादा बेस बना रखा है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, जोधपुर में, कोच्चि में एंड तमिलनाडु में, तमिलनाडु पुदुकोटी में रखा हुआ है इसने, जो वहाँ पे बटर बेस्ड प्रोपेंट्स को बनाया जाता है। अब ये जो पैसा आप दे रहे हैं आईपीओ के थ्रू, उसका क्या होगा? सबसे पहली बात तो है कि कंपनी इसमें अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करेगी, एक्सपेंशन जो उनका पुदुकोटी वाला प्लांट है तमिलनाडु उसको करेगी। इसके अलावा जायरो शेकर्स और टिंटिंग मशीन्स को परचेज। अभी टिंटिंग मशीन क्या है, देखो साहब ऐसा होता है कि जो भी कंपनी, जब आप पेंट लेने जाते हो, मान लीजिए मुझे रेड का कोई शेड चाहिए, ब्लू का कोई शेड चाहिए, एक्जेक्टली ब्लू नहीं है, कई बार आप देखोगे कहने नहीं सर ब्लू नहीं चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन के बीच का चाहिए, लेमन ग्रीन चाहिए, पैरेट ग्रीन चाहिए। अब साहब इतने डिब्बे तो आपका जो डीलर है वो रखेगा नहीं, और इतने डीलर ही कंपनी भी नहीं दे सकती इतने पैसे। तो फिर क्या है, टिंटिंग मशीन वो है कि जिसमें कंपनी क्या करती है कि हर डीलर को, जो भी जिसको उसको ऑथोराइज डीलरशिप या सब डीलरशिप देती है, उसको एक टिंटिंग मशीन दे देती है, और उसके ऊपर वो मेनली उसमें क्या वाइट पेंट दे दिया जाता है, और ऊपर जो कलर है उसके कोड के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कितना होना चाहिए वो उतना डाल देगा, और मशीन मिक्स कर देती है। दिस इज कॉल्ड टिंटिंग मशीन। तो टिंटिंग मशीन बेसिकली आपको शेड देती है, तो जितनी ज्यादा टिंटिंग मशीन होगी उतने ज्यादा शेड दे सकता है। सो इसीलिए, और डीलर्स को बढ़ाना है, तो ये कंपनी जो है आपके पैसे को टिंटिंग मशीन खरीदने में, जायरो शेकर्स जो हैं इनको लेने में पैसा खर्च करेगी। इसका मतलब ऐसा करके ये डीलर के पास ज्यादा सामान भेज पाएगी और आपको ज्यादा शेड्स दे सकती है। टू रिपे ऑल आर सर्टेन बोरोइंग्स, यानी कुछ जो बोरोइंग्स में पैसा चुकाएगी तो क्या होगा, आफ्टर इंटरेस्ट जो इनकम है इसकी बढ़ जाएगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए पैसा रखेगा। अब दूसरी बात आती है फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहली बात इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बदल रही है, तो लोग पेंट करवाने लगे हैं, लोग खर्चा करने लगे हैं, सेविंग बेस्ड इकोनॉमी से हम एक्सपेंडिचर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए अपने आसपास, हर दिवाली होली पे लोग अपने घरों में पेंट करवा रहे होते हैं, तो जो इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है। अब पेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो मेजरली यहाँ पे एशियन पेंट, बर्जर एंड नैरोलैक इनका मार्केट शेयर है, और ये 5वें नंबर पे, डिस्टेंस 5th है, इट इज नॉट दैट क्लोज 5, मेजोरिटी 45% विद इन एशियन पेंट्स, देन बर्जर, देन नैरोलैक एंड देन 5th नंबर पे इसका नंबर आता है, लेकिन इट इज ग्रोइंग कंपनी। अब ये कंपनी जो है इस इंडस्ट्री के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको अपने आप को प्रूव करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, डिस्काउंट देनी पड़ेगी, जो ये अभी बहुत कम डिस्काउंट देती है, आगे बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो अपवर्ड्स प्लस साइन, पेंट इंडस्ट्री, लोगों का पैसा खर्च करने के प्रति रवैया बदल रहा है, सो अगेन प्लस साइन। इंडिगो पेंट पिछले 20 सालों में 2000 से बन के 2010 में केवल 10 स्टेट्स में थी, लेकिन 2020 आते आते 27 राज्यों में है, ये 27 out of 28, 8 यूटी में से 7 में है। मतलब आप देखिए इसने 10 सालों में कहां से कहां अपना मार्केट सेगमेंट फैलाया है, मार्केट को फैलाया है। सो ये इसके लिए एक पॉजिटिव चीज है। अब इसको डीलर एक्सपेंशन, अगर ये पैसे का सही उपयोग कर लेती है तो डीलर एक्सपेंशन हो जाएगा। अब बात आती है कि जो QIB के लिए इसने रखे हुए 50% और रिटेल HNI के लिए 15 और 35% रिटर्न के लिए है, और जो इशू है ये 16.51 ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी होगी। अब इसके जो लीड मैनेजर्स हैं वो कोटक महिंद्रा हैं, एडलवाइज हैं, ICICI हैं, और इन सभी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पिछले जितने भी हैं इनके IPO जो लेके आए हैं वो सारे के सारे ऊपर आए, और एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रमोटर जो है वो देखिए 0.15, 74.49, 113.76। यहाँ पे आपको ये अपना सामान महंगे में बेच रहे हैं, समझ लीजिए आप साहब, उनकी खुद की कास्ट 113 और आपको
1490 बेच रहे हैं, ये महंगे चीज है यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैं कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की बात करता हूँ। कंपनी की सबसे बड़ी खासियत इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का लार्ज है, वेल प्रूवन कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, स्ट्रांग ब्रांड इक्विटी है, इंडिगो पेंट्स का ब्रांड है और इन्होंने अपने साथ महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा है, तो इनका प्रमोशन एंड ब्रांड हैज फर्दर गॉन अप। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 27 राज्यों में है, स्ट्रेटजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, दे कवर द राजस्थान, दे कवर द साउथ, सो एवरी पार्ट दे कवर इट, सो दे कैन इजिली एंड बाय दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट मिनिमाइज। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपको इंडिगो पेंट से लिस्टेड पीयर के साथ, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो एशियन पेंट और वर्जिन पेंट इज 24.27% और जो इसकी है वो 24.66 है एंड 27.39 ऑन द 31st मार्च 2020। ईपीएस जो है वो 10.61 है एशियन पेंट्स का के बिहाइंड और ये 28.25 पे है। रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर इसका लो है जो 1920 में 11.4% डिस्काउंट डीलर को देती है, और क्योंकि डीलर भी डिस्काउंट कम देते हैं तो दैट इज व्हाई डीलर इनका माल बेचना नहीं पसंद करता, क्योंकि आपको पता है कि डीलर ड्रिवन मार्केट, अब डीलर को अगर पैसा नहीं दोगे तो डीलर माल नहीं बेचेगा। मान लीजिए अगर मैं खरीदने भी जाऊँगा कहेगा साहब एशियन पेंट बड़ा है, क्यों एशियन पेंट खरीदो ना साहब, आप क्यों इंडिगो का नया पेंट खरीदते हो, क्यों, उसको तो कमीशन कम मिलेगा, उस पर मिलता है 15% 15.8 यानी लगभग 16% और इसमें मिलेगा 11.5% 11.4, तो इनको वो सुधारना चाहिए। और इनका ईपीएस देखिए आप जो वो है कि 2019 में 5.98 था, अभी वो 10.61 है 2020 पे, अगर मैं क्लब कर लूँ सो एनालाइज कर दूँ तो 10.61 ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, सो ये इनका अच्छा है। यहाँ पे रिस्क क्या है, अभी तो कंपनी को जो कॉस्ट है कम है क्योंकि पेट्रोल की कॉस्ट बहुत कम हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल्स की, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की अगर रिस्ट्रिक्शंस लग गई तो इनके कंपनी को होगा, क्योंकि आपने देखो ना वैल्यू चेन एनालिसिस, जो इनका वैल्यू चेन देखोगे तो उसमें किस तरह से प्रॉब्लम आती है। दूसरा, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए माइकल रिपोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है, स्ट्रेंथ ऑफ द अपोनेंट्स, यानी पहला है बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ बायर्स, तो जो बायर्स हैं वो कंज्यूमर हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं और डीलर हैं आपके, तो डीलर और कंज्यूमर हम दोनों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आपको कट थ्रोट कंपटीशन है, हम आपको रेवेन्यू देने वाले नहीं, हम आपको ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। दूसरा आ गया बार्गेनिंग कैपेसिटी सप्लायर, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ यू विल ऑल्सो नॉट बी वहाँ पर कंपनी को मार्जिनस अपने ज़्यादा नहीं रख सकते। देन कम्स थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, नए नए चीज़ें आ रही हैं, जैसे आप नए लेके हैं और भी लोग आ सकते हैं, देन आपके पास आ जाता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, आप नए आए नई कंपनी आ सकती है, एंड कंपटीशन इंटर कट थ्रोट कंपटीशन है साहब, तो इसमें अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत गैप है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी नीचे होगी तो इस कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग फाइल अगेंस्ट द कंपनी, ये एक अलग प्रॉब्लम है, इनके DHRP अरे आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है, एंड थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज आल्सो ए रिस्क फॉर द कंपनी। नाउ अपॉर्चुनिटी क्या क्या कंपनी का, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, डेकोरेटिव पेंट का मार्केट बढ़ रहा है इसलिए ज्यादा लोगों को अपनी तरफ इनकार्ट कर रहे हैं, प्रिंटिंग मशीन कर रहे हैं तो आप टारगेट मार्केट में सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, शॉप प्रिंटिंग हो जाए उससे कर सकते हैं जैसे ज्यादा डीलर्स इसके साथ जुड़ सकेंगे, लो कॉस्ट ऑफ इनपुट है मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है, ग्रोथ है, रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी आ रही है तो इंडियन इकोनॉमी अगले 5-7 सालों में ग्रो करेगी काफी, तो ऑब्वियस सी बात है लोग अपने घरों को उनकी इनकम बढ़ेगी घरों को पेंट करेंगे। इंडिगो डिजर्व ड्राइव्स द 85% रेवेन्यू फ्रॉम 2 and 4 cities टू टायर सिटीज से एंड डील्स इन इकोनॉमी प्रोडक्ट, तो इससे क्या है कि लो कॉस्ट पेंट है तो ज्यादा लोग खरीदते भी हैं इसको, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट 28% टू इट रेवेन्यूज। अब आप अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप 6 महीने के देखते हैं केवल 30 September 2072 एंड ईयरली ऑन इसको एक्सपायरी ऑन 31st March 478, सो इवन आफ्टर द कोविड दे वर एबल टू सेल 272, इफ यू एनालाइज्ड इट इट कम्स टू 526 व्हिच इज मोर देन द 31st March, एंड दैट इज व्हाट द चार्ट आल्सो शोज यू दैट इट इज गोइंग अप। सो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी पीई के हिसाब से अपने कंपटीटर एशियन पेंट्स वर्जर
से काफी महंगी कंपनी है, क्योंकि वो लोग 114 and 128 के पीए पे बेच रहे हैं माल, और ये हमें माल दे रहे हैं आईपीएल एट 145, सो कॉस्टली है। बुक वैल्यू टू प्राइस इज आल्सो कॉस्टली, तो इसका मतलब ये चीज सस्ती नहीं। अब बात आती है कि क्या इस कंपनी को हमें खरीदना चाहिए। देखो साहब, आईपीओ में जनरली हम पैसा लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ गेन्स। ये एक हाई बीटा कंपनी होगी, निची कंपनी है, अपने सेगमेंट में जाने वाली है, तो यहाँ पर लोग पैसा खरीदेंगे और इसमें आपको लगभग 500 रुपए के हिसाब से मिनिमम गेन मिलेगा। तो आप 10 शेयर का लॉट है तो 5000 से लेके 8000 के बीच में आपको इस पे रिटर्न मिलने वाली है, एंड दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग इट फॉर द आईपीओ गेन्स। बाकी आप लोग प्लीज अपने हिसाब से अपने फैक्टर्स डिस्कस करिए, स्टडी कर लीजिए, फिर देखिए आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है, क्यों। हर आदमी की रिस्क और रिटर्न एपिटाइट अलग अलग होती है, और ये मैं एकेडमिकली प्रोफेसर हूं तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब बात आती है जो मैंने शुरुआत में कही थी कि इंडिगो पेंट और आईएफसी अगर मुझे पैसा लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे साहब। अगर इन दोनों में से एक में, क्योंकि बीच में मेरे आपने वीडियो देख के आप लोगों में से कईयों ने मुझे लिखा कि साहब आप बताइए कि आईएफसी में पैसा लगाएं या यहाँ लगाएं, तो साहब ऐसा आईएफसी एक लो बीटा कंपनी है, धीरे धीरे बढ़ेगी ना गिरेगी ना चढ़ेगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। तो अगर एक लॉट आपने अप्लाई कर दिया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, और नहीं किया तो होल्ड ऑन कर लो, 32 के आसपास अगर लिस्ट हो जाती है लिस्टिंग गेन, और उसके बाद फिर बेच के आप नीचे आए तो ले लीजिएगा अपने सही लेवल पे, 25-26 के हिसाब से आपको मिल जाएगा गेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसमें नहीं है और मुझे उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उतना नहीं दिख रहा। दूसरा है जो आईएफसी है, स्टेबल ग्रोथ रहेगी क्योंकि उसकी मोनोपोली है और वो आगे बढ़ती रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक अपनी स्पीड से स्टेबल ग्रोथ देती रहेगी। दूसरी तरफ इंडिगो पेंट्स कंपटीशन है, मोनोपोली नहीं है, और ये चैलेंज कर रहे हैं जो एस्टेब्लिश पेंट्स हैं, कंपनीज हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग करनी होगी, अपने आप को फोर्स करना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके लिए ग्रोथ रेट जो होगी वेरिएबल हो सकती है। देन इनका जो बिजनेस है कम्पिटिटिव है, जबकि आईएफसी का बिजनेस मोनोपोलिस्टिक है, तो मैं आप मोनोपोली है उसकी, तो मैं ये आपको कहूँगा कि इन दोनों में से लॉन्ग टर्म के लिए आईएफसी रखिए। इंडिगो पेंट हाई बीटा स्टॉक है, रखिए जब तक प्रॉफिट दे, जब मार्केट डाउन इकोनॉमिक ट्रेडिंग डाउन है एग्जिट इट, क्योंकि इट विल बी गिविंग यू दी लिस्टिंग गेंस। सो दोस्तों आप अपने प्यार बनाए रखिए, और आपने मेरे चैनल लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर दिए हैं, और आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ साथ ये 500 का आंकड़ा आप क्रॉस करवा देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट अगला वीडियो मैं होम फाइनेंस में लेके आऊंगा और कल आपके सामने लेके आता हूं, और साथ में ऐसा भी ये भी बताऊंगा कि आईएफसी की आईपीओ का क्या हुआ और उसकी लिस्टिंग कहां होने वाली। सो देखते रहिए, थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद फिन ग्रोथ मंत्रा की तरफ से, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।